And yes, as we continue to get you more and more voices on the first day of polling in the state of UP, Republic also spoke to RLD Chief Jayant Chaudhary. Take a listen to what he had to say. आज पहले चरण का चुनाव है, आप किस तरीके से देखते हैं? और क्योंकि ये बेल्ट कहा जाता है, किसानों की बेल्ट है, पूरा दमखम के साथ गठबंधन को कहाँ लेंगे? किसानों की बेल्ट है और किसान भूल नहीं सकते किस तरह से किसानों का अपमान इन सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने किया। आज एक बहुत निराशाजनक फैसला भी सामने आया है, हालांकि न्यायालय खुद अपना फैसले लेते हैं, लेकिन इसमें सरकार के जो पैरवी थी वो कमज़ोर थी और उसे दोष दिया जाएगा। किस तरह से 4 महीने में किसान को रौंदने वाले आज जमानत पा लेते हैं, इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आप वोट डालने नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी उसे मुद्दा बना रही है, उस पर आप क्या कहें? मुझे लगता है बीजेपी के नेताओं को रात की नींद नहीं आ रही जब से हमने गठबंधन किया। मेरी इतनी चिंता ना करें, मेरी जिम्मेदारी है गठबंधन के 403 सीटों पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरी पत्नी चारू जी मथुरा गई हैं, वोट किया है। आज हम बिजनौर में अभी यहाँ हैं, जहाँ मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि जिले के 8 सीटों के लिए प्रचार करूँ, दूसरे चरण के लिए करूँ। और बिजनौर और मथुरा का रास्ता बहुत लंबा है, यहाँ से मैं फ्री हूँगा और समय रहेगा मैं जरूर जाके मतदान करूँगा। आखिरी सवाल है, अजय मिश्र टैनी में बहुत हल्ला हुआ, आज उनको जमानत मिल गई। मैं वही कह रहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार की कमजोर या जानबूझकर उन्होंने कमजोर पैरवी की और इसी व्यवस्था के खिलाफ हमें लड़ना है। इसी व्यवस्था को नकार गई पब्लिक, किसान भाई एकजुटता का प्रदर्शन करें। और उनके हमारे दो चुनाव चिन्ह हैं यहाँ, पहले दो चरण में हैंडपम्प और साइकिल। धन्यवाद।